सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और देख सकते हैं ये है D&D फ्लाईवे और यहीं से आश्रम स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं राइट में आश्रम है और लेफ्ट में राजघाट है। तो आपको बता दूँ, राजघाट की तरफ जब हम आगे चलेंगे लेफ्ट हैंड पे तो सराय काले खां के लिए निकल जाएंगे, फिर राजघाट के लिए निकल जाएंगे और यहीं से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। जब हम आगे की साइड में चलेंगे तब गाइस, और इस पर कंक्रीटिंग की जाएगी, ब्लैक टॉप किया जाना है, लेकिन ब्लैक टॉप नहीं हो पाया अभी। पैराफिट वॉल बनाने का काम चल रहा है साइडों में, कंक्रीट की मदद से ये पैराफिट वॉल भरे जाएंगे इस आश्रम फ्लाईओवर पर। गई देखो दोस्तों, ये है आश्रम फ्लाईओवर पर, जो फ्लाईओवर बनाया गया है फ्लाईवे, ये देख सकते हैं। अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस पर कंक्रीटिंग की जा रही है, इसके रैंप बनाने का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इस पर ब्लैक टॉप फिर किया जाएगा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आश्रम पे ही जाम जूम रहता है बहुत ज़्यादा। तो हम चल रहे हैं सराय काले खां की तरफ, वहाँ दिखाएंगे चल के आपको कि कुतला कुछ काम हो गया है। बंद कर। ये है दोस्तों D&D फ्लाईवे, देख सकते हैं तस्वीरें, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है आश्रम पे D&D फ्लाईओवर, देख सकते हैं आप लोग। इसका भी आपको फुल रिव्यू दूंगा अगली बार। देखो अभी इस पर कंक्रीटिंग की जा रही है और कंक्रीटिंग हो जाने के बाद में इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, ये देख सकते हैं। और आपकी जो पैराफिट बॉल बनाने का काम चल रहा है साइडों में, बाकी तो इसमें काम कंप्लीट सा ही हो गया है सारे में, बस ब्लैक टॉप होना बाकी रह गया है। और ये है D&D, जो ये वाहन चमक रहे हैं, ये D&D फ्लाईवे है, जो D&D की तरफ से वाहन आ रहे हैं और ये जा रहे हैं दिल्ली के लिए, लाजपत नगर और आपका फरीदाबाद के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर बस इतना ही वर्क चल रहा है अभी, यहाँ से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, देख सकते हैं तस्वीरें, और ये जा रहा है D&D फ्लाईवे, ये देख सकते हैं, ये D&D फ्लाईवे से स्टार्ट होता है और ये देख सकते हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो कि ये आपको सारे पिलर देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको बता दूँ, यमुना रिवर के साइड से निकलता हुआ जा रहा है, ये आपका निकलेगा जाकर फरीदाबाद होते हुए, ये देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ पर ये लॉन्चर लगा हुआ है जो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है गाइस, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग, ये आपको सारे पिलर देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे पिलर कंप्लीट कर लिए गए हैं और ये यमुना रिवर आ जाती है, ये यमुना रिवर है, तो नज़ारे आप लोग देख सकते हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग। ये देखो, ये जा रहा है बनता हुआ, क्यों सामने सूरज पड़ रहा है तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस वीडियो में कवर जल्दी करेंगे। ये देखो पियर कैप बनाने का काम चल रहा है अभी यहाँ पे, ये सारा जा रहा है निकलता हुआ इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, ये चमक रहा है आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि हमारे D&D आश्रम से स्टार्ट होता है, उधर से स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, ये देख सकते हैं, ये पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं सारे पिलर कंप्लीट हो गए हैं, इस पर पियर बन चुके हैं और पियर कैप का काम चल रहा है, देख सकते हैं वो वहाँ पर जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है वहाँ पर पियर कैप का काम चल रहा है। और लॉन्चर आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है, कालिंद्री कुंज निकलते हुए फरीदाबाद होते हुए, और ये आपका निकलेगा KMP परवल हरियाणा में जाके निकलेगा गाइस, जो कि ये 60 किलोमीटर का पार्ट बनाया जा रहा है, ये 60 किलोमीटर का पार्ट बनाया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये चल रहा है काम और ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, ये पियर कैप बनाने का काम चल रहा है और ये यमुना रिवर के बगल से ही निकल रहा है, साइड से ही निकलता हुआ जा रहा है गाइस,
कालिंद्री कुंज के लिए, और कालिंद्री कुंज तो फिर ये फरीदाबाद में आ जाएगा, तो फरीदाबाद में भी काम चल रहा है, वहाँ पर भी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिखाने की मैं कोशिश करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो केपी संत के चैनल पर। और ये जा रहा है डीएनडी फ्लाईवे, जहाँ पर ये ख़त्म होता है डीएनडी फ्लाईवे, वहीं से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, जो कि बगल बगल से आ रहा है, देख सकते हैं सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, पियर कंप्लीट हो गए हैं, पियर कैप का काम चल रहा है, कहीं पर यहाँ पर पिलर ये पियर कैप भरे जा रहे हैं कंक्रीट की मदद से गई, तो आगे आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा मैं।